हेलो डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टू ऑफ यू वेरी गुड मॉर्निंग टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टड द टॉपिक सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश ग्रामर फॉर आल क्लासेस टॉपिक इज रनिंग एज पर पास प्रैक्टिस मॉडल्स एंड इट्स एप्लीकेशन तो आज जो हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड है इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द पास्ट ऑफ शेल एंड विल इस इसमें हम जो मॉडल्स में पास्ट लेंगे शेल और वि, विल का शेल का पास्ट होता है शुड और विल का पास्ट होता है वुड तो देखिए इसके साथ हम एक छोटी सी एक्सरसाइज भी देंगे आपको करने के लिए या करा दूँगा इधर ही तो उस एक्सरसाइज में आपको सिंपल जो वर्ब का जो बी वर्ब की पास्ट यानि कि जो टेंस है उसका आपने भरना है फिलिंग द्लैक्स की एक छोटी सी एक्सरसाइज दी जाएगी टेंस Tense सेंटेंसेस की हो सके तो मैं करा दूंगा साथ साथ ही लिखूंगा करवा भी दूंगा तो टुडे वी विल डिस्कस शुड आज हम शुड के बारे में पढ़ेंगे शुड इज यूज टू एक्सप्रेस शुड इज यूज टू एक्सप्रेस को यूज किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या एक्सप्रेस किया जाता है इसमें इसमें आएगा ऑब्लिगेशन आर द मॉरल ड्यूटी अलॉन्ग विद एग्जाम्पल ठीक है ऑब्लिगेशन आर मॉरल ड्यूटी यह पहला यूज है शुड का ऑब्लिगेशन या मॉरल ड्यूटी इसमें हम कहते हैं कि ही शुड ओबे वी शुड अवे अवर एल्डर्स एग्जाम्पल आएगी वी शुड अवे अवर एल्डर्स हमें अपने बड़ों की इज्जत देनी चाहिए सेकेंड जो इसमें एप्लीगेशन है सेकंड क्या है सेकंड एडवाइस आर रिकमेंडेशन एडवाइस आर रिकमेंडेशन किसी चीज़ को रिकमेंड करना या किसी के बारे में किसी को सलाह देना तो एब्लिकेशन क्या है कि हमारी ड्यूटी क्या है हमारा कर्तव्य क्या है ठीक है तो इसने लिखा है कि वी शुड अबे आवर एल्डर्स हमें अपने बड़ों को स्वागत करना चाहिए उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए उनका आगे का पालन करना चाहिए या वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी हमें अपने कर्तव्य निभाना चाहिए तो इसमें क्या है एडवाइस आर रिकमेंडेशन में यू शुड कंसल्ट ए गुड डॉक्टर यू शुड कंसल्ट ए गुड डॉक्टर आपको एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ठीक है या ड ड्राइव स्लोली आपको आहिस्ता ड्राइव करना चाहिए देन इट इज यूज आफ्टर कंजक्शन थर्ड जो है इट इज ऑल्सो यूज आफ्टर कंजक्शन ये शुड जो है ये कंजक्शन के बाद भी इस्तेमाल किया जाता है शुड जो है कंजक्शन के बाद भी इस्तेमाल किया जाता है लेस्ट टू एक्सप्रेस पर्पस कंजक्शन कौन सा लेस्ट टू एक्सप्रेस पर्पस क्या अपना मकसद जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें क्या आएगा इसमें हो सकता है जैसे वाक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल ठीक है तो ऐसे भी हो सकता है कि वर्क हार्ड भाई मेहनत करो नहीं तो आप असफल हो जाओगे ठीक है मैंने कुछ भी आ सकता है इसमें कोई भी चीज़ जो है वो पूछी जा सकती है किसी भी ढंग से बात हो सकती है तो पहले तो इसी को देख लेते हैं वाक एग्जैंपल वाक केयरफुली सावधानी से चलिए लेस्ट यू शुड फार नहीं तो तुम गिर जाओगे या वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल सख्त मेहनत करो नहीं तो आप असफल हो जाओगे इसी तरह टू एक्सप्रेस सपोजिशन ये फोर्थ पार्ट में टू एक्सप्रेस सपोजिशन शुड जो है वो सपोजिशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है शुड जो है वो सपोजिशन के हम किसी चीज को सपोज करते हैं should you go to the market bring a pen for me should you go to the market bring a pen for me इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप मार्केट जाओगे तो मेरे लिए एक पेन लाइएगा ठीक है तो इस तरह से शुड जो है ये एक्सप्रेस कर रहा है सब पोजिशन मान लेते हो कि आप बाजार जाते हो तो एक पेन ले आइएगा ठीक है इसी तरह टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी फिफ्थ एंड लास्ट टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी शुड जो है इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस प्रबल्टी प्रबल्टी मैंने हो भी सकता है नहीं भी प्रायद जैसे प्रबल्टी क्या है आपको पता अगर हम एक काइन टास करते हैं सपोज काइन आर इट मे बीडेल नाट बोथ ठीक है इफ यू थ्रो ए डाइस अगर आप डाइस थ्रो करते हो तो इधर इट मे बी वन टू सिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टू सिक्स इट मे बी वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव आर सिक्स के सारे छे नहीं आएंगे मतलब कोई इन कोई इनमें से एक जो जो है है। है? के ऊपर आपने देखी है, dice क्या होती इसके फेस हैं। तो आपको पता है, फेस के ऊपर लिखा होता है जैसे यहां पे मान लो वन है इसके अपोजिट टू होगा इसके ऊपर वाले में थ्री होगा नीचे वाले में सपोज के फोर है इसके सामने वाले में हो सकता है फाइव है इसके पीछे वाले में जो नीचे वाला है लास्ट वाला ये सामने वाला था ये इसका पीछे वाला आ गया ये इसके नीचे वाले में थ्री वाले के नीचे वाले में ये हो सकता है ये सिक्स हो तो इनमें से कोई ये डाइस है ना इनमें से आप इफ यू डो थ्रो ए डाइस आइदर इट मे बी वन आर टू आर थ्री फोर फाइव सिक्स एटसेट्रा ठीक है ये सिक्स इन छः में से कोई भी नंबर आता है दिस अ प्रोबेबिलिटी सिमिलरली इफ यू टॉस ए कॉइन ये अगर टॉस ए कॉइन इट मे बी हेड आर टेल ये मतलब है प्रोबेबिलिटी का ठीक है दोनों नहीं होगे इनमें से कोई एक होगा या हेड होगा या टेल होगा तो इंग्लिश में इसने इसमें क्या कहा शुड का यूज कैसे है शुड जो है शी शुड बी एट होम बाय नाउ शी शुड बी एट होम बाय नाउ अभी तक वो घर हो सकती है या द टीचर हेडमास्टर शुड बी टेकिंग द क्लास बाय नो हेडमास्टर हो सकता है अब तक क्लास ले रहा हो तो ये जो प्रॉबर्टी है इसमें क्या आ गया यूज ऑफ शुड नो नेक्स्ट टॉपिक जो है मैंने क्या बताया आज हम दो टॉपिक करेंगे एक हम शूट पढ़ेंगे और दूसरा हम वुड पढ़ेंगे द पास्ट ऑफ शेल एंड विल ठीक है तो शैल का जो पास्ट था उसका शुड था उसमें क्या क्या आया इसमें प्रॉबलिटी आ गई सपोजिशन आ गया इसमें ठीक है इसमें कंजक्शन आ गया लेस्ट ठीक है इसमें कंजक्शन यूज़ हो गया लेस्ट टू तो एक्सप्रेस द पर्पज इसमें एडवाइस है रिकमेंडेशन है और साथ ही इसमें एब्लिकेशन है यानी कि अवर मार्ट ड्यूटी क्या है तो ये इन चीजों के लिए कंडीशन के लिए शुड का यूज होता है अब जो नेक्स्ट है वो है वुड 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 इज यूज वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल ठीक है ये क्या इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल इट इज यूज टू एक्सप्रेस इसको यूज किया जाता है क्या क्या एक्सप्रेस करने के लिए इसको यूज किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर टेंस इन द पास्ट फ्यूचर टेंस इन पास्ट इन द इंडक्ट स्पीच फ्यूचर टेंस इन द पास्ट ठीक है फ्यूचर टेंस इन पास्ट इन द डायरेक्ट स्पीच इन पास्ट इन दिन डायरेक्ट स्पीच तो देखिये चेंज ऑफ नरेशन हम पढ़ा था उसमें स्पीच दो किस्म की होती है ठीक है एक हो गई डायरेक्ट स्पीच एक हो गई इन डायरेक्ट स्पीच तो इसमें यह जो है इन डायरेक्ट स्पीच में यूज किया जाता है द टीचर सेट दैट रामू सेट दैट वुड नॉट अटेंड द क्लास डैडे रामू ने कहा कि वह उस दिन क्लास अटेंड नहीं करेगा या इस तरह से भी है द टीचर सेट दैट ही वुड पनिश द नाट इज स्टूडेंट द टीचर सेट दैट ही वुड पनिश दॉट ही स्टूडेंट्स इनके जो शरारती बच्चे हैं उनको वो सजा पनिश करेगा पास्ट हैबिट आर कस्टमरी एक्शन सेकेंड क्या है पास्ट हैबिट आर कस्टमरी या कस्टमरी एक्शन जो रीति रिवाज होते हैं उनके हिसाब से या पास्ट हैबिट जो पिछली चल रही हो आदत तो कहता क्या इन विंटर ही वुड स्टडी लेट एट नाइट इन विंटर ही वुड स्टडी लेट एट नाइट सर्दी में वो रात को देर तक पढ़ा करता था ठीक है देन देर इज ए थर्ड सजेशन है थर्ड क्या है थर्ड ये कहता है कि पुलिस रिक्वेस्ट पुलिस रिक्वेस्ट इसमें आएगा जैसे वुड यू प्लीज ओपन द सॉरी पोलाइट रिक्वेस्ट सॉरी आई हैव इट इट इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट है वुड यू प्लीज लैंड मी योर कार क्या आप मुझे अपनी कार दोगे तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है साइन ऑफ एक्स आएगा इंटरोगेशन आएगा या वुड यू प्लीज कीप क्वाइट क्या चुप करके बैठोगे तो मतलब ये प्लाइट क्या है ये रिक्वेस्ट है देन देर इज अ लास्ट वन अनरियल कंडीशन जिसमें कंडीशन जो है वो रियलिटी शो नहीं करती है अन रियल कंडीशन पार्ट इसका फोर्थ है कि ऐसी कंडीशन जिसमें कोई रियालिटी ना हो इज ए वुड दैट आई वर किंग वुड दैट आई वर पीएम ऑफ इंडिया कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता वुड दैट यहां पे अगेन भी लिख लो वुड दैट आई वर यंग अगेन काश कि मैं दोबारा जवान होता या वुड दैट आई वर मैं काश एक बादशाह होता तो दीज आर कंडीशंस है जो रियल नहीं है अनरियल है हाइपोथेटिकल है मन की बात है ये हम कह रहे हैं कि मैं शायद ऐसा होता होता या नहीं होता ये एक अलग बात है सो दिस बाय योर टॉपिक अबाउट द शेल यूज ऑफ शेल का पास्ट शुड एंड विल का पास्ट वुड नो आई हैलरेडी डिस्कस्ड इन द स्टार्टिंग आई है आई विल गिव यू ए स्मॉल एक्सरसाइज तो ये एज एन एक्सरसाइज है यू टू फिल दिस एक्सरसाइज ठीक है तो इस एक्सरसाइज को फिलअप कर रहे हैं बाई यूजिंग इसमें वर्ड क्या आएगा वर्ब जो बी है इन डिफरेंट इंग्लिश टेंसेस ठीक है तो इट इज जस्ट एन एक्सरसाइज टू चेक यूर एबिलिटी ठीक है एक्सरसाइज टू चेक योर सेल्फ बेस्ड ऑन वर बी ये बेस किस पे वर बी इन डिफरेंट इंग्लिशेंस इन डिफरेंट इंग्लिश टेंसेस ऐसे इसमें क्या क्या आएगा हो सकता है इसमें एम आर इज बाज वर बाय वर विल सुवन ये कोई भी इनमें से इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो ठीक है तो ये आपके लिए एक क्या है जस्ट टू चेक यूर सेल्फ के वेयर यू स्टैंड आप कहां स्टैंड करते हो वेदर यू हैव द स्ट्रांग होल्ड ऑन योर इंग्लिश ग्रामर कैन यू फिल अप ऑल दिस इन ए राइट वे जैसे वी डैश एट सम फर्स्ट वी डैश एट होम टू वीक्स एगो टू वीक एगो फर्स्ट सेकेंड सेकेंड है जैक नाम किसी का भी हो सकता है ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट वीक थर्ड है आई इन लंडन लास्ट ईयर फोर्थ है इट ओनली कलोडी टूडे इट ओनली क्लाउडी टूडे ठीक है बट दे आर सुमरेन टूमारो

फ्राम कनाडा या ये भी लिख सकते हैं आई फ्राम जम्मू दे ऑन द बस यस्टरडे एर्थ हीज ब्रदर अ पेंटर ही लिव इन शिको लीजा एंड जेफ रामू एंड श्याम रियली हैप्पी नो इट इज नाइन्थ टेंथ कविता late this morning so these are the 10 sentences which are given you as an exercise or perhaps i shall try my best to deliver uh, to write down uh, one exercise daily in order to check yourself where do you stands may mostly students uh, go through but don't uh, work at home unless and until you will do the exercise you will not get reward you cannot check yourself where do you stands in order to check your status where i am because competition is becoming tough day by day or yeah basically this exercise one is very good for those who have to गेट एडमिशन इन आदर द कंपिटेटिव स्कूल्स लाइक सैनिक स्कूल्स आर आई एम एस राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री अकेडमी और एनिदर स्कूल्स ऑफ हाई हाई फाई क्वालिटी के स्कूल जो हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए दिज एक्सरसाइज विल प्ले वाइटर रोल इन ऑर्डर टू बूस्ट यूर कैलिबरी ठीक है वन थिंग आई मे टेल यू That this is just to start the exercise. I will try my best to take the class daily, regularly, in the morning as well. So, I do hope all my uh, subscribers will uh, like, share, and subscribe my channel as well. Please uh, go through this exercise regularly and go through the video continue, uh, till it comes to an end in order to get check yourself and boost your calibre have a nice day thank you for all other students if there is any sort of uh, problem created due to some disturbance to so ignore this thank you have a nice day bye